हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरकनेक्शंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज इंटरकनेक्शन एंड पैरेलल इंटरकनेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। कुछ और इंटरकनेक्शंस बच गए हैं, लाइक सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन, पैरेलल सीरीज इंटरकनेक्शन एंड कैस्केड इंटरकनेक्शन। ओके, अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज पैरेलल इंटरकनेक्शन के बारे में। ओके, सो दिस सीरीज मींस जो इनपुट पोर्ट है दैट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस इंडिकेट दैट इनपुट पोर्ट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड पैरेलल मींस द आउटपुट पोर्ट दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यहाँ पे मैंने दो नेटवर्क कंसीडर करे हैं, दैट इज सपोज दिस इज नेटवर्क ए, दिस इज नेटवर्क बी, एंड नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी की जो इनपुट पोर्ट हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज वी कैन सी दैट इस नेटवर्क में जो करंट जाएगा दैट विल लीव, एंड ये जो करंट आउटगोइंग है दैट इज़ फ्रॉम द नेटवर्क ए, इट विल बी द इनकमिंग करंट फॉर द नेटवर्क बी। सो इसीलिए जो इनपुट पोर्ट है इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, बट इफ़ वी सी एट द आउटपुट पोर्ट इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज द वोल्टेज at the output terminal of both the network is same, so that is why the output port is connected in parallel. Okay, so let us first mark the voltages and current. So input port ki jo voltage hai overall it is V1 and current is I1. So this is network A. So iske liye jo incoming current hai that is I1 of A, 1 is for the input. Okay, and same current will leave the network A. Now the current which is entering the network B, it is I1 of B because it is at the input port, and this will leave from here. Now voltages, so input port ki jo voltage hai for the network A, it will be equal to plus minus V1A, and this will be equal to plus minus V1 of B. Okay, now if we see at the output port, नेटवर्क ए के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, दिस इज V2 एंड ए, सो 2 इज़ फॉर द आउटपुट पोर्ट एंड ए इज़ फॉर द नेटवर्क ए, एंड सिमिलरली द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द नेटवर्क बी इज V2B, एंड ओवरऑल वोल्टेज विल बी V2 एंड टोटल करेंट इट इज़ I2। सो नेटवर्क ए में जो करेंट एंटर हो रही है फ्रॉम द आउटपुट पोर्ट इट विल बी इक्वल टू I2A, एंड सेम करेंट इट विल लीव फ्रॉम दिस टर्मिनल दैट इज़ I2A। नेटवर्क बी के लिए जो इनकमिंग करेंट है दैट इज़ I2B, एंड इट विल बी लीविंग फ्रॉम दिस टर्मिनल। सो नाउ इफ वी सी एज इनपुट पोर्ट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, सो I1 current it will be equal to I1A is equal to I1B. Okay, so from the circuit we can observe that this I1 current it will be equal to I1A, it is equal to I1B because input port is connected in series. Okay, because input port in series connection. Okay, सिमिलरली इफ़ वी सी एट द आउटपुट पोर्ट इज इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पैरेलल में वोल्टेज क्या है सेम होती है, इट मीन्स दिस V2 इट इज़ इक्वल टू V2A, इट इज़ इक्वल टू V2B। ओके, बिकॉज आउटपुट पोर्ट इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके, इज इन पैरेलल। ऑल्सो V1 voltage, it is a combination of V1A, so this V1 it is a combination of V1A, that is input voltage for the network A plus input voltage for the network B. Suppose this is equation 1, because input port series mein connected hai, so series mein current to same hota but voltage will divide. Okay, so that is why we have written this equation V1, it is equal to V1A plus V1B. Similarly if we see at the output port, it is connected in parallel, so voltage same hai but current will divide, so this I2 current it is dividing into two part, that is I2A and I2B. Okay, so using these two equations we can write these two equations in the matrix form. So we have seen that V1 it is equal to V1A plus V1B, this was equation 1, and output port pe we have I2, it is equal to I2A plus I2B, this is equation 2.
ओके सो इफ यू राइट दीज इन द मैट्रिक्स फॉर्म देन वी हैव वी वन, दिस इज आई टू. सो वी वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस, सो वी वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन ए एंड वी वन बी. सिमिलरली आई टू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई टू ए एंड आई टू बी. नाउ वी कैन write this matrix that is V1A and I2A because we know that in case of H parameter, so in case of H parameter we know that V1 and I2, this is a function of, so V1 and I2 is a function of I1 and V2. It means left hand side jo variables hain ya dependent variables V1 and I2, they are a function of I1 and V2. So yahan pe we have same variables, that is V1 and I2 is there, but it is for the network A. So that is why we can write this as, so it will give H parameter matrix, but wo network A ke liye hoga, that is H of A, and it will be a function of variable I1A and V2A. Okay, similarly V1B and I2B, it can be written as, this is for the network B, so this is H of B and it will be I1B and V2B. This is for the network B, and left hand side we have V1 and I2. So we have seen that I1A, it is equal to I1B, it is equal to I1 because input port series mein connected tha. So that is why this can be written as, this is I1 and V2A is equal to V2B is equal to V2. So we can write this as V2, and this is H of B and this is I1 and this is V2. So if we take I1, V2 common, then we are getting H of A plus this is H of B, and we have taken I1 and V2 common, and this is V1 and this is I2. It means, so overall network ka jo H parameter hai, that is a combination of H parameter for the network A and H parameter for the network B. Okay, so if we have series parallel interconnection, and us case mein agar hame overall H parameter matrix find out karna hai, then it will be a combination of H of A and H of B, that is HA plus HB. You have to add the H parameter matrix for both the network. So this is for series parallel interconnection. Okay, series parallel interconnection. Now let us see the next interconnection, which is parallel series interconnection. It means ab input port jo hai wo parallel mein connected hoga, and output port it is connected in series, just opposite which we have seen just now. Okay, so input port is, so this series means output port, this is connected in series. Okay, so this is network A and this is टू पोर्ट नेटवर्क बी. सो इनपुट पोर्ट जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, सो वोल्टेज विल बी सेम. सो वोल्टेज इज प्लस माइनस वी वन, करेंट इज आई वन. फॉर द नेटवर्क ए इनकमिंग करेंट इज आई वन ए एंड दिस इज आई वन ए. वोल्टेज इज वी वन ए एंड फॉर द नेटवर्क बी वोल्टेज इज वी वन बी फॉर द नेटवर्क बी एंड करेंट एंटरिंग इज I1B from the input port and this is I1B. And if we see at the output port, it is connected in series, so current will remain same. So overall voltage is V2, current entering is I2, this is I2A, this is I2A, voltage is V2A for the network A, and this is V2B, this current is I2B, and the same current is leaving, that is I2B. So agar hum equations likhe, that is input port mein parallel mein connected, that means voltage will be same. So this V1, it is equal to V1A, it is equal to V1B. Okay, because input port it is connected in parallel, and output port jo hai wo series mein connected hai, to current same hoga. It means I2 current, it is equal to I2A, it is equal to I2B. Next,
इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, इनपुट पोर्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो करेंट विल डिवाइड. इट मीन्स दिस आई वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आई वन ए प्लस आई वन बी. सो सपोज दिस इज इक्वेशन वन एंड आउटपुट पोर्ट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो वोल्टेज विल डिवाइड, दैट इज वी टू वोल्टेज. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी टू ए प्लस वी टू बी. सपोज दिस इज इक्वेशन टू. नाउ इफ यू राइट दीज टू इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज आई वन, दिस इज वी टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई वन ए, दिस इज वी टू ए, देन प्लस दिस विल बी इक्वल टू आई वन बी एंड दिस इज वी टू बी. Okay, so now we have I1 and V2. So we know that in case of G parameter, which is also known as inverse hybrid parameter, so G parameter mein we know that I1 and V2, it is a function of V1 and I2. Okay, so left hand side, that is variables are I1 and V2, and they are a function of V1 and I2. So we can replace this matrix I1A and V2A. This is for the network A. So this can be replaced by the variables V1 and I2. Okay. So let us write the equations in the matrix form here. So we have I1 and V2. So I1 and V2. So I1 is a combination of I1A and I1B. So this is I1A, this is V2A, plus this is I1B and this is V2B. So this will be equal to, so this is I1, this is V2. So I1A and V2A, so this is for the network A, and I1 and V2, they are a function of V1 and I2. So this is G of A, and it is V1A and I2A, then plus it will be G of B, that is for the network B, and it is V1B and this is I2B. Okay, so now this is I1 and this is V2. So as input port it is connected in parallel, so parallel mein voltage same hoti hai. It means V1A is equal to V1B is equal to V1, okay, and I2A is equal to I2B is equal to I of 2. So this is V1 I2 plus this is G of B and this is V1 and I2. So if we take V1 I2 common, then we are getting this is G of A plus G of B, and we have taken V1 I2 common. So this is I1, this is V2. So this term indicating the overall G parameter matrix in case of parallel series interconnection. So it means agar hume overall network ka G matrix find out karna hai ya G parameter find out karna hai, then it is a summation of individual network, that is G of A plus G of B. Okay, so this relation is important when the network is connected in parallel series interconnection. Okay, so this is for parallel series interconnection. Next interconnection is, and this is last interconnection, which is cascade interconnection. So cascade means the networks are connected in series. It means suppose this is network A and this is network B. So if they are connected in cascade, it means network A ka jo output hai, it will be the input for the network B. Is type ke jo connections hote hain, usse hum cascade connections bolte hain. Okay, now let us mark the voltages and current. So this is V1 voltage and this current is I1. This is network A. So इसकी जो खुद की जो वोल्टेज है, that is V1A, and incoming current is I1A, and this is the output port for the network A. So its voltage will be V2A because it is the output voltage for the network A, and current at the output port for the network A is V2A. Now for the network B, voltage is, this is
द इनपुट पोर्ट फॉर द नेटवर्क बी. ओके सो दिस इज वी वन बी दैट इज इनपुट वोल्टेज फॉर द नेटवर्क बी एंड दिस इज इनपुट करेंट दैट इज आई वन बी फॉर द नेटवर्क बी एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज फॉर द नेटवर्क बी. सो दिस इज वी टू बी एंड दिस इज इनकमिंग करेंट फॉर द नेटवर्क बी फ्रॉम द आउटपुट पोर्ट दैट इज आई टू बी एंड ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द नेटवर्क इज वी टू एंड ओवरऑल करेंट फॉर दिस इंटरकनेक्शन इज आई टू करेंट. नाउ इफ वी सी देन दिस वी वन इट इज इक्वल टू वी वन ए. ओके सो लेट अस राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. सो इनपुट वी हैव वी वन एंड आई वन एज अ वेरिएबल. सो वी वन इट इज इक्वल टू वी वन ए. ओके एंड आई वन करेंट इट इज इक्वल टू आई वन ए. So this can be written as this is V1 and this is I1. So we have seen in case of ABCD parameter that V1 and I1 it is a function of V2 and minus of I2. Okay, so we have seen. So this is for the network A. So it can be replaced by T of A, that is T parameter matrix for the network A, and then it is a function of V2A and minus of I2A. Okay. Now this will be equal to this is T of A. So V2A that is this is the output voltage for the network A which is equal to V1B. So this is equal to V1B and minus of I2A. It means so as minus of I2A, I2A is in this direction and I1B is in this direction. So minus of I2A, it will be in this direction, so which will be equal to I1 of B. So this is I1B. Okay. So again, this is V1B and I1B. So this is for the network B. So this can be replaced by, so this is equal to T of A. Now V1B and I1B, it can be written as T of B, that is T parameter for the network B, and then it will be a function of V2B and minus of I2B. Now this V2B, it is equal to V2 and minus of I2B, it will be in this direction which is equal to minus of I2. So let us write. So this is V1 and this is I1 and we have T of A, T of B, and so V2B it is equal to V2 and minus of I2B it is equal to minus of I2. Okay, so now this is the equations for the overall network in case of ABCD parameter. So overall network ka jo T matrix hai, that is this. So agar cascade connection hai, then अगर हमें ओवरऑल मैट्रिक्स का टी पैरामीटर फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द टी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर द इंडिविजुअल नेटवर्क. यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है कैस्केड में. रिमेनिंग में वी हैव सीन दैट वी हैव टू ऐड द इंडिविजुअल मैट्रिसेस, बट यहाँ पे कैस्केड में वी हैव टू मल्टीप्लाई. ओके सो मैं सारे नेटवर्क्स इंटरकनेक्शंस को एक बार समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने देखा था सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन. ओके सो इन केस ऑफ सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन वी हैव ऑब्टेन दैट ओवरऑल जेड पैरामीटर इट इज अ समेशन ऑफ जेड ऑफ ए एंड जेड ऑफ बी. ओके एंड नेक्स्ट वी हैव पैरेलल पैरेलल इंटरकनेक्शन. So in the parallel parallel interconnection we can easily obtain y parameter which is a combination of y of a plus y of b. Then next we have seen series parallel interconnection. So series parallel interconnection mein we can directly obtain h parameter matrix for the overall network which is a summation of h of a and h of b. And then we have seen for the parallel series interconnection. So parallel series interconnection mein we can obtain the G matrix for the overall network which is a summation of G of A and G of B matrix. And last we have seen the cascade interconnection. Okay,
So this is cascade interconnection, and in case of cascade interconnection, the overall T matrix which we can obtain is the multiplication of the individual T matrix for both the network. That is, we have to multiply. Okay, now let us see few questions. Question number one is, for the given two port network, the value of the transfer impedance Z21 is. So in this question we have to obtain Z21 value. So Z21, it is a ratio of V2 by I1. So V2 by I1, when I2 current is 0. ओके तो सबसे पहले वोल्टेजेस मार्क कर लेते हैं. सो दिस इज वन वन डैश इज इनपुट पोर्ट, वोल्टेज इज V1, ओवरऑल करंट इज I1, एंड दिस इज टू टू डैश दैट इज आउटपुट पोर्ट. सो वोल्टेज इज V2 एंड दिस इज I2 करंट. ओके नाउ सपोज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस 4 ओम, सपोज इट इज I ऑफ X करंट, देन हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस 2 ओम? इट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I ऑफ X. ओके सो नाउ हमें Z21 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज़ अ रेशियो ऑफ V2 बाय I1, कीपिंग I2 करंट इज 0. सो अगर I2 करंट 0 है, इट मीन्स आउटपुट पोर्ट विल बी ओपन. सो नाउ हेयर दिस I2 करंट, दिस इज इक्वल टू 0. सो देन हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस 2 ओम? सो फ्रॉम हेयर I1 माइनस IX करंट इज कमिंग एंड I2 वैल्यू इज 0. सो सेम करंट विल फ्लो थ्रू फ्रॉम द 2 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज वैल्यू इज I1 माइनस ऑफ I ऑफ X. ओके यहाँ से क्या है, I2 की वैल्यू 0 हो गई. सो जो भी करंट यहाँ से आएगा वो इस 2 ओम के थ्रू फ्लो हो जाएगा, एंड देन द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम, सो फ्रॉम हेयर करंट इज कमिंग I1 माइनस IX एंड दिस इज ऑल्सो IX. सो दिस करंट विल बी इक्वल टू I1. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2 बाय I1. सो वी कैन अप्लाई द KVL इन दिस लूप. सो लेट इज राइट द KVL इक्वेशन in output loop. So we are getting, so let us start, then V2 value it is equal to, so V2 it is equal to 2 into current flowing through this 2 ohm, it is equal to I1 minus I of X, then 2 into I1. So this V2 it is equal to 4 I1 minus of 2 into I of X. Suppose this is equation 1, we want V2 by I1, so we have to replace this I of X value. So we can find this I of X value by applying the KVL in this loop. Okay, बिकॉज अगर हम इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे देन ओनली I1 एंड I of X वेरिएबल होंगे, बट अगर हम इस लूप में अप्लाई करेंगे KVL देन V1 एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी. दैट इज़ वाई आई हैव चूजन दिस लूप टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I of X इन टर्म्स ऑफ I1. ओके सो यहाँ पे हमारे पास 2 ओम रेसिस्टेंस है एंड करंट फ्लोइंग इज I1 माइनस IX. दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड करंट फ्लोइंग इज I1 माइनस IX. इट मीन्स दिस 2 ओम एंड दिस 2 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस इज 4 ओम. सो करंट यहाँ से एंटर करेगा, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो लेट अस अप्लाई द KVL इन दैट लूप. सो लेट अस अप्लाई द KVL. सो वी आर गेटिंग 2 इंटू I1 minus I of X, then again we have 2 and current flowing is I1 minus I of X, then we then we have 4 ohm and we are applying the KVL in this loop. So pehle jo sign aa raha hai, that is minus, so this is minus 4 ohm and current flowing through 4 ohm is I of X, that is equal to 0. So let us simplify, this is 2 I1 plus 2 I1 is 4 I1, this is minus 2x minus 2x and minus 4x, so this will be equal to minus of 8 IX, this is equal to 0. So from here we are getting the value of I of X, this is 4 I1 by 8, that is I1 by 2. So suppose this is equation 2. Now we will substitute equation 2 in equation 1. Okay, so let us substitute equation 2 in equation 1. So equation 1 we have obtained V2 is equal to 4 I1 minus of 2 IX. So we are getting V2, it is equal to 4 I1 minus of 2 into I of X, and I of X key value we have obtained as I1 by 2. So this is equal to 4 I1 minus of I1, which is equal to 3 I1.
ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z21 विच इज़ द रेशियो ऑफ V2 / I1 व्हेन I2 करंट इज जीरो. सो हमने I2 करंट ऑलरेडी जीरो कंसीडर करा है. सो V2 / I1 इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग 3 एंड V/I रेशियो यूनिट इज ओम. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 ओम. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ V2 / VS. सो यहाँ पे हमें V2 वोल्टेज एंड VOS दैट इज इनपुट वोल्टेज का रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट. सो यहाँ पे वी कैन सी दैट वी हैव द टू नेटवर्क एंड दे आर इनपुट पोर्ट जो है इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज दिस I1 करंट इज एंटरिंग एंड इट विल लीव फ्रॉम हेयर एंड द सेम करंट विल बी एंटरिंग द नेटवर्क 2. सो दिस इज नेटवर्क ए जिसके लिए जेड वैल्यूज़ हैं दैट इज़ Z11, Z12, Z21 एंड Z22. इट मीन्स वी कैन से दैट जेड पैरामीटर इज ऑलरेडी गिवन फॉर द नेटवर्क ए एंड दिस इज 10 ओम इज गिवन इन द शंट ब्रांच. सो दिस इज नथिंग बट आवर नेटवर्क बी. सो यहाँ पे हमें एक नेटवर्क ए गिवन है, नेटवर्क बी गिवन है जिसका इनपुट पोर्ट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है एंड आउटपुट पोर्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज. इट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन. ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन एंड वी नो दैट अगर सीरीज सीरीज इंटरकनेक्शन है देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड इट्स जेड पैरामीटर फॉर द नेटवर्क विच इज़ जेड ऑफ ए प्लस जेड ऑफ बी. सो जो जेड ऑफ ए है वो हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट जेड ऑफ बी. सो जेड ऑफ बी में हमारे पास सिर्फ एक शंट ब्रांच है दैट इज़ वैल्यू इज 10 ओम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जेड पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर दिस नेटवर्क. ओके, सो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. लेट मी राइट जेड ऑफ ए. सो जेड ऑफ ए इज गिवन एंड दिस इज Z11, Z12, Z21 एंड दिस इज Z22. सो जेड ऑफ ए this is equal to, so Z11 is 12, this is 8, this is also 8 and this is 20. Okay, suppose this is equation 1. Now we will find Z of B. So let us first draw the network B. So we are solving for network B. So यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक shunt resistance है and value is 10 ohm. Okay, सो दिस इज़ नेटवर्क बी गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ इसके लिए हमें जेड ऑफ बी कैलकुलेट करना है दैट इज़ जेड पैरामीटर फॉर दिस मैट्रिक्स. सो एक तो तरीका है कि आप इक्वेशंस डेवलप कर लें दैट इज़ V1, I1 एंड आउटपुट पोर्ट की वोल्टेज एंड करंट मार्क करके सॉल्व कर लें. या अगर हमें एक शॉर्टकट है, अगर हमें एक टी नेटवर्क गिवन है सो दिस इज़ रिजेंबलिंग विद अ टी नेटवर्क. यहाँ पे क्या है, कुछ भी इम्पीडेंस नहीं गिवन है. सो वी कैन, अगर कोई भी ब्रांच नहीं है दैट इज़ डायरेक्टली शॉर्ट देन वी कैन से दैट इम्पीडेंस ऑफ दिस ब्रांच इज जीरो. सिमिलरली यहाँ पे भी कोई रेसिस्टेंस नहीं गिवन है, इट इज़ डायरेक्टली अ शॉर्ट लाइन. देन वी कैन ऑल्सो से दैट इम्पीडेंस फॉर दिस लाइन इज ऑल्सो जीरो एंड शंट में एक हमें रेसिस्टेंस गिवन है, वैल्यू इज़ 10 ओम. सो दिस इज अ टी रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ टी नेटवर्क वी कैन से. सो अगर हमें टी नेटवर्क गिवन है तो उसका जो जेड पैरामीटर मैट्रिक्स है वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. सो इसके लिए जो जेड ऑफ बी है इट इज़ इक्वल टू, सो दिस विल बी इक्वल टू, सपोज दिस इज Z1, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3. सो जो Z11 है इट इज़ Z1 प्लस Z2, Z12 इट इज़ इक्वल टू Z2, Z21 is also Z of 2 and Z22 value is given by Z2 plus Z of 3. Okay, so this shortcut is only applicable for T representation. Okay, now Z1 plus Z2 it will be equal to 0 plus 10 is 10. This is also 10. This is also 10 and this is 10 plus 0 is again 10. So it means हमने directly Z of B matrix find out कर लिया using the shortcut method. मैं next lecture में आपको detail में explain करूँगी T and pi representation के बारे में. Okay, आप equation से भी solve कर सकते हैं, you will be getting the same matrix. So now we can find the overall impedance parameter matrix which is Z of A plus Z of B. Okay, so Z of A we already know that it is given by, so Z of A we have, it is given in the question that is 12, 8, 8 and 20, then plus Z of B is 10, 10, 10 and 10 ohm. Now let us add, so this is 22,
दिस इज 18, सो 22, 18, दिस इज ऑल्सो 18 एंड दिस इज 20 प्लस 10 इज 30. सो दिस इज जेड मैट्रिक्स फॉर द ओवरऑल नेटवर्क. सो नाउ अगर हमें जेड मैट्रिक्स मिल गया फॉर द ओवरऑल नेटवर्क, देन वी कैन डेवलप द इक्वेशन. सो यहाँ पे जो इनपुट पोर्ट की वोल्टेज है, दैट इज वोल्टेज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल इज वी वन, करेंट इज आई वन. सिमिलरली द वोल्टेज एट दिस टर्मिनल अप टू हेयर इट इज वी टू एंड करेंट इज आई टू. सो वी कैन डेवलप द इक्वेशन यूजिंग द जेड मैट्रिक्स विच इज 22, 18, 18 एंड 13. सो वी नो दैट इन केस ऑफ जेड पैरामीटर वी नो वी वन एंड I2, it is equal to Z matrix, which is we have obtained as 22, 18, 18 and 30, and it is a function of I1 and I2 variable. Okay, so let us develop the equation. So V1, it is equal to 22 I1 plus 18 into I2, and this V2, it is equal to 18 I1 plus 30 into I2. So we have to calculate the ratio of V2 by Vs. So suppose this is equation 2 and suppose this is equation 3. We have to find out V2 by V of S ratio. So if we see the circuit, so in the circuit this is V1. So V1 voltage, it is equal to V of S minus of 5 into I1. Okay, so इनपुट पोर्ट पे इफ यू सी दिस इज वी वन, सो दिस वी वन इट इज इक्वल टू वी ऑफ एस माइनस फाइव आई वन. सो एज वी ऑफ एस वी वन सॉरी वी वन इज इक्वल टू सो वी वन इट इज इक्वल टू वी ऑफ एस माइनस ऑफ फाइव इंटू आई वन. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वी वन वैल्यू इन इक्वेशन टू. ओके, सो पुट इन इक्वेशन टू, देन वी आर गेटिंग, सो वी वन वैल्यू इज वी ऑफ एस माइनस फाइव ऑफ आई वन, इट इज इक्वल टू 22 आई वन प्लस 18 ऑफ आई टू. सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग वी ऑफ एस, इट इज इक्वल टू 27 ऑफ आई वन प्लस 18 इंटू आई टू. सपोज दिस इज इक्वेशन 4. Now if we see at the output port, then at the output port this V2 voltage, it is equal to I2 current. नेटवर्क में क्या है, हम इनकमिंग करंट कंसिडर करते हैं, देन वॉट इज दिस करंट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ I2. ओके, सो दिस V2, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 इंटू I2. ओके, सो एज V2 voltage, it is equal to minus of 20 into I2. This is from the input port. Okay, so this is from the input port equation and this is from output port. So from here we can find the value of I2. It is equal to minus of V2 by 20. Okay, so now we will substitute the value of I2, which is minus of V2 by 20, in equation 3. So substitute in equation, substitute I2 value in equation 3. So equation 3 is V2 is equal to 18 I1 plus 30 into I2. So I2 value we have obtained minus of V2 by 20. So this will be equal to V2, it is equal to 18 I1 plus 30. I2 value is minus of V2 by 20. So if we simplify, then V2, it is equal to 18 of I1 minus of 3 by 2 into V2. So this will be equal to V2 plus 3 by 2 V2, it is equal to 18 of I1. So this will be equal to 5 by 2 V2, it is equal to 18 of I1. So from here I1 current, it will be equal to 5 by 2 into 18, that is 36 by V2. Now this I1 value we will substitute in equation 4. ओके, सो यहाँ पे हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड I2 इन टर्म्स ऑफ V2, बिकॉज हमें V2 बाय Vs का रेशियो कैलकुलेट करना है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द I1 वैल्यू इन इक्वेशन 4. ओके, सो सब्स्टिट्यूट I1 एंड I2 वैल्यू
इन इक्वेशन 4, देन वी आर गेटिंग वी ऑफ एस इट इज इक्वल टू, सो इक्वेशन 4 वी हैव ऑब्टेन एज वी एस इट इज इक्वल टू 27 I1 प्लस 18 I2. ओके सो वी एस इट इज इक्वल टू 27 I1 प्लस 18 into I2, सो दिस इज 27 I1 वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 5/2 into 18 into V2 प्लस 18 एंड I2 वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज माइनस ऑफ V2/20. ओके सो वी कैन सिंप्लीफाई देन दिस V ऑफ S इट इज इक्वल टू दिस इज 2 एंड दिस इज 3 9 3 जा दिस इज 15/4 into V2 दिस इज 9/10 into V2. सो लेट अस टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई फर्दर 15/4 एंड माइनस ऑफ 9/10. सो वी आर गेटिंग वी ऑफ एस इट इज इक्वल टू, सो लेट अस टेक द LCM एज 20. सो वी हैव 15/4, सो दिस इज 15 into 5 इज 75 माइनस 9/10, सो दिस इज 18 इंटू वी टू कॉमन. सो वी ऑफ एस बाय वी टू इट इज इक्वल टू 75 minus 18 is 57/20. We have to find out in the question V2 by VS. Okay, so in the question we have to calculate V2 by VS. So just reverse the ratio, it is 20/57. So it is equal to 0.3509. Okay, so this is the answer for this question. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क. सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.